एंड माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस रूल्स ऑफ नाउन एज अ जंबल। लास्ट वीडियो में सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताए थे कैसे हम बनाते हैं, सारे रूल्स बनाए थे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ये वीडियो जरूर देखें। इसके बाद में बताऊंगी उसके एडवांस रूल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सेंटेंस में करेक्ट है या नहीं हम कैसे देखते हैं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछा जाता है फाइंड द मिस्टेक इन द सेंटेंसेस। इसके बाद उसमें फोर ऑप्शन होते हैं कि क्या मिस्टेक है, और उसमें इस टाइप के भी आ जाते हैं। तो चलिए, without wasting any time, let's start advanced rules of noun as a number। इसमें भी हम बात सिंगुलर प्लूरल की करेंगे एडवांस तरीके से। चलिए देखते हैं, कुछ इसमें रूल्स मैंने आप बताए हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बनी रहिए, और कुछ भी चीज आप स्किप मत कीजिए अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट रूल मैंने लिखा है रूल नंबर 1, नाउन यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नाउन जो वर्ड होते हैं, नाउन जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर की तरह यूज करें या प्लूरल की तरह, दोनों सेम होते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। यानी एस या ईएस कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिससे उसकी पहचान हो सके सिंगुलर है या प्लूरल। पूरे सेंटेंस से, हेल्पिंग वर्ब से इनफैक्ट हमें पता चलता है हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल। जैसे कि द शीप इज ग्रेजिंग, ठीक है, शीप इज ग्रेजिंग। यहाँ पर शीप इज ग्रेजिंग मतलब हम एक शीप की बात कर रहे हैं, चल रहा है। मैनी शीप आर ग्रेजिंग। अब मोस्टली आप लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर हम ज्यादा प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये शीप की जगह हमें शीप्स कर देना चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि शीप और डियर की अगर हम बात करें, चाहे हम ये प्लूरल के लिए यूज कर रहे हो लेकिन इसमें एस कभी नहीं लगता है। जैसे डियर्स वर्ड रनिंग इन द फॉरेस्ट रॉन्ग, एस नहीं लगेगा इसमें, डियर इस तरह। तो मैंने यहां पर जो लिखा है नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल में जो ये है शीप और डियर, ये एक ही तरह से यूज होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उससे पहले मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। 100,000 डजन, ये आपने सुने होंगे, आप यूज करते हो। दो तरीके से ये यूज होते हैं, इसमें एस लग के भी यूज होता है और कहीं एस लग ना लग के भी यूज होता है, और अगर वहां हमने एस लगा दिया तो रॉन्ग हो जाता है। देखिए मेरी बात ध्यान से, वर्ड का क्या यूज है। आई बॉट 3 dozen मैंगोस। आप यहाँ पर डजन्स नहीं कर सकते, यहाँ पर आप एस नहीं लगा सकते, ठीक है। माई फादर गेव मी 500 rupees, मेरे फादर ने मुझे 500 rupees दिए, तो यहाँ पर 100s नहीं लगाएंगे, 100s नहीं होगा। ऑल्दो 5 लग रहा है इस टाइम, 100s नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के कॉन्ट्रडिक्शन, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन गैदर्ड देयर। एक और एग्जांपल, डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। लेकिन अभी तो मैंने बताया था ये इनके आगे एस नहीं लगाते, 100,000 और डजन के आगे एस नहीं लगाते, जैसे कि यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। देखिए जब भी वो किसी डिजिट के बाद आ रहा होगा, जैसे 3 से पहले लग रहा है, नंबर के बाद, ठीक है, नंबर के बाद, तो हम एस नहीं लगाते। 500 rupees तो हम एस नहीं लगाते, या 100 rupees, 200 rupees, जब भी वो नंबर के बाद आ रहा है तो हम 100,000 डजन इस तरह से जो डिजिट होती है, जैसे 5 lakh rupees, तो लैक्स नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम नहीं लगाएंगे उसमें एस। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही आ रहा है केवल अकेला, तो हम लगाएंगे अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, यहाँ पर इकट्ठे हुए, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन की बात कर रहे, तो हम एस लगाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले हम ऐसे करते 3,000 पर्सन, तो फिर से हम एस नहीं लगाते। यानी थाउजेंड डजन वगैरह लाख इससे पहले अगर कोई भी नंबर लिखा है 3, 4, 5, 1 से लेके पूरा 9 कुछ भी नंबर है, तो हम एस नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिंगल वही वर्ड से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम एस जरूर लगाएंगे। जैसे डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, ये एस सही है। लेकिन इससे पहले अगर हमने नंबर लगा दिया तो हम एस नहीं लगा सकते। रूल नंबर 3 क्या है, नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। कुछ नाउन हमें लगते सिंगुलर है लेकिन एक्चुअल में
वो होते प्लूरल है और उनका यूज भी वैसी होता है, यानी कि उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। अब इसमें और इसमें यू कंफ्यूज कैसे बोले होंगे, देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज भी लग गई और इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब भी लग गई, दोनों तरह से यूज हो गया, लेकिन ये केवल दोनों तरह से यूज नहीं हो सकता, हम यहाँ वो नाउन की बात कर रहे हैं जो केवल एक तरीके से ही यूज होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए पीपल, कैटल, पॉलिट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, जेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने कुछ एग्जांपल दिए। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आपको लग रहा होगा कैटल तो सिंगुलर है, इसके आगे एस नहीं लगा, लेकिन नहीं ये प्लूरल है, इसका मत फॉर्म ही ये प्लूरल के लिए हुआ है, ये लगते सिंगुलर है, इसलिए इनका यूज भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है राउंड जो लगते सिंगुलर है लेकिन यूज एज अ प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आर यूज हुई है, कैटल्स नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। पीपल की बात अगर हम कर लें तो पीपल भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, ठीक है, लेकिन ये पीपल्स नहीं करेंगे, इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, पीपल्स ऑफ अमेरिका आर रिच रॉन्ग, पीपल ही लगेगा, लेकिन पीपल बिना प्लूरल यूज करते हुए भी, बिना तब भी हम इसको प्लूरल में ही यूज मान के चलते हैं, उन नाउन का जो मतलब होता है ना, पूरा टीम, पूरी पुलिस होती है, सिर्फ पॉलिट्री हो गई, पुलिस हो गई तो पूरी टीम की बात आ गई, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है, इस टाइप से हम यूज करते हैं। रूल नंबर फोर देखिए, नाउन ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और उसी तरह से यूज होते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल अगर आप बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, यानी उनके आगे एस या ईएस करके प्लूरल करके हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल लगाते हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी फिर उनके साथ सिंगुलर ही यूज होगी, उनको आप नहीं बना सकते प्लूरल। देखिए कैसे, जैसे कि देखिए आप पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिशी, पोइट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, न्यूज, ये जो नाउन है अगर आप इनको प्लूरल बना दोगे तो आप इनको डायरेक्ट प्लूरल नहीं बना सकते, कुछ और अलग तरीका होता है प्लूरल बनाने का जो अभी मैं आपको बताऊंगी, मेरी बात सुनिए सबसे पहले। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल, इज इट रॉन्ग और राइट, इट इज राइट, लेकिन अगर मैं यहां पर कर देती सीनरीज, सीनरीज कुछ भी वर्ड है ही नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बताइए, हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, इज इट ट्रू, मैंने अभी यहां पर बताया इन नाउन के आगे एस या ईएस नहीं लगता, ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही काम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग नहीं, हिज उसकी इंफॉर्मेशन गलत है, इंफॉर्मेशन आएगा, और अगर इंफॉर्मेशन आएगा तो ये भी बदल जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, तो हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। लेकिन क्या अगर हम करेंगे, अगर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात करनी है, किस तरह से हम लिखेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, इससे तो केवल एक इंफॉर्मेशन की बात सामने आ रही है, तो डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम कुछ वर्ड एड करेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मनी पीसेस, उस पर एक वर्ड ऐड कर दिया, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज आर रॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर्स में डायरेक्ट फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर में एस लगाकर, अगर हमें बहुत सारे फर्नीचर की बात करनी है, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है आर्टिकल, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ही बॉट मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, He bought furnitures, ये गलत हो जाएगा, आर्टिकल्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह से ब्रेड की बात करनी है तो लोग, इस तरह से हम यूज करते हैं। एडवाइस में भी ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, सही है, ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस, तो उसका मतलब बहुत सारी एडवाइस ही, लेकिन एडवाइस में डायरेक्ट एस नहीं लगाया, पीस। रूल नंबर फाइव, कलेक्टिव नाउंस, करेक्टिव नाउन्स आप सभी टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि आगे एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स में सबका ही रूल आएगा, और पहले आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सा नाउन है, फिर आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, जैसे कमेटी, गवर्नमेंट, आपको पता ही है, ज्यूरी, क्लास, ऑडियंस, टीम, फ्लॉक, हर्ड, क्रू एक्सेट्रा, और भी जो मैंने कलेक्टिव नाउन आपको बताए थे, वो दो तरीके से यूज हो सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, हमें उनके सेंस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि उसका सेंस क्या कह रहा है। मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ,
जैसे ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन, ज्यूरी में बहुत सारे पर्सन होते हैं तो 8 पर्सन कंसिस्ट करती है, हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि ज्यूरी तो हम एक ही की बात कर रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप जिसको हमने अलग से नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया कलेक्टिव नाउन। तो एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सिंगुलर की, यानी कि हम हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इस पॉइंट पर एक थे, सबका मत एक तरफ था, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो कमेटी में जितने भी मेंबर्स हो, लेकिन है तो वो एक कमेटी, ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं वन अनडिवाइडेड ग्रुप, एक अनडिवाइडेड ग्रुप जिसमें सब लोग एक ही उस पर है, माने जा रहे हैं एक ही उस पर, किसी एक पॉइंट पर, या हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और एक ही टाइप के उसमें पर्सन या कुछ आइटम आ गए, ठीक है। अब लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ वैसे हमेशा सिंगुलर ही लगता है, लेकिन कभी कभी प्लूलर भी लग जाता है अगर इसका सेंस बदल जाए, ठीक है, एक्सेप्शन केस में प्लूलर भी लग जाता है, हमें देखना पड़ता है कैसे। देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड हो गई, यानी सब लोग एक नहीं थे। देखिए, इसमें हमने बात की थी सिर्फ एक चीज की कि 8 पर्सन है, कमेटी एक है, वन अनडिवाइडेड ग्रुप, एक ग्रुप, ठीक है, जो अनडिवाइडेड है। लेकिन इसमें इससे क्या सेंस हो रहा है, ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अगर हम करते तो ज्यूरी में जितने भी मेंबर्स हैं वो डिवाइड हो गए ओपिनियन में, मतलब जैसे 8 मेंबर्स है, 4 तो उस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं, जो भी उनके पास आया है मैसेज, 4 ना कह रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें उसके मेंबर्स की अलग अलग बात कर रहे हैं कि ज्यूरी में जो मेंबर्स थे वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हो गए, मतलब वो बट गए आते आते, एक मत पे वो राजी नहीं थे, तो ठीक है। तो यहाँ पर सेंस जो दे रहा है, जो सिर्फ ज्यूरी एक एज अ ग्रुप बात करने का सेंस नहीं दे रहा, उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उसका सेंस यहाँ पर लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब इसमें तो क्या था, कमेटी वॉज वन एक पॉइंट, एज अ ग्रुप हम कह रहे थे कमेटी रेडी है इस पॉइंट पर काम करने के लिए, कमेटी इस पॉइंट पर एक है कि हाँ ये सही, लेकिन एक पॉइंट उनको मिला उस पर वो डिवाइड हो गई, तो हम ये नहीं लिखेंगे कमेटी वॉज डिवाइडेड, क्योंकि कमेटी डिवाइड नहीं हुई, उसमें जो लोग हैं वो डिवाइड हो गए ना, और जो लोग हैं, जो ग्रुप है वो डिवाइड हो गए, तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, हम उसके लिए तो प्लूलर ही यूज करेंगे ना, ऐसे समझिए। कमेटी डिवाइड हो गई एक पॉइंट पे, यानी 8 पर्सन थे, सपोज 4 बोल रहे हैं इस पॉइंट सही है, 4 बोल रहे हैं नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कमेटी वॉज डिवाइडेड, नो, कमेटी वर डिवाइडेड, क्योंकि हम यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, नाउन प्लूलर फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज, कुछ नाउन जो है वो प्लूलर फॉर्म में लगते हैं, जैसे उनके पीछे एस या ई एस आपको लगा रहता है, लेकिन वो उनका एक्चुअली में नाम होता है, उसको सिंगुलर से प्लूलर नहीं बनाया है, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। देखिए, अभी रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था या 4 में कि कुछ नाउन प्लूलर लगते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है, मतलब सिंगुलर लगते हैं प्लूलर यूज होते हैं, लेकिन आपको बताया था जैसे, लेकिन इसमें उल्टा है, कुछ नाउन प्लूलर फॉर्म में होते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे बताती हूँ आपको तुरंत समझ आ जाएगा, हाँ ये आता है इसमें। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, मीजल, बिलियर्ड। सिविक्स इकोनॉमिक ये एक सब्जेक्ट का नाम है, पीछे एस लग रहा है, अब ऐसा तो नहीं आप सिविक कर दोगे, सिविक करोगे और सिविक्स हो गया प्लूलर, नहीं भाई, ये तो नेम है ना, लग वो हमें प्लूलर एस या ईएस लग रहा है, लेकिन है वो सिंगुलर, इसलिए ये सिंगुलर ही यूज होंगे। सिविक्स इकोनॉमिक्स ये भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स। अब न्यूज की बात हो गई, न्यूज, दिस न्यूज आर गुड, नहीं, दिस न्यूज इज गुड, न्यूज हमेशा सिंगुलर में यूज करो। इनिंग्स, मीजल्स ये डिजीज का नाम है, बिलियर्ड्स ये गेम का नाम है, कैसे, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इसके पीछे तो एस लग रहा है, फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रॉन्ग, नाम है ये, फिजिक्स तो नाम है, ऐसे ही है, प्लूरल सिंगुलर वाला नहीं है। द न्यूज ऑफ इज दैट इज नॉट ट्रू, न्यूज लग रहा है तो आर नॉट ट्रू, बहुत सारी नहीं, न्यूज एक है, ठीक है, ये हो गए आपके। अच्छा, रूल नंबर 7 क्या आया, नाउन ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं,
ठीक है, वो सिंगुलर नहीं हो सकते, मतलब उनका कोई सेंस ही नहीं होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते सिंगुलर, आप ये मान लीजिए कैसे, और आप डेली लाइफ में उन्हें यूज भी करते हो। स्पैक, सीजर, टॉम्स, ट्राउजर, आल, सराउंडिंग, एशेस, गर्ल्स, इयररिंग, सेविंग, गुड्स, क्लॉथ, और भी हो सकता है। स्पैक्स, चश्मे की अगर हम बात करें तो इसमें से आप एस हटा के यूज करोगे कोई सेंस रह जाएगा, वो हमेशा दो ही होते हैं। ट्राउजर्स या पैंट्स की अगर आप बात करते हो, जनरली हम डेली लाइफ में ट्राउजर या पैंट बोल जाते हैं, जो रॉन्ग होता है, इंग्लिश में पैंट्स ही होता है। पैंट्स का भी एक उसका पैंट पाओगे कि हमेशा उसके दो लेग्स ही होंगे ना पैंट्स, तो आपके भी दो लेग्स हैं तब पहनते हो, ठीक है। इसी तरह से टंग्स चिमटा होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्राउजर हो गया, सराउंडिंग्स, आर्म्स भी जो होती है, इयररिंग्स आपके जैसे इयररिंग्स मैंने पहन रखे हैं, इयररिंग बोल दूं, मेरा इयररिंग दो, मेरे इयररिंग का है, मैं इयररिंग क्या मैं एक ही खरीदूंगी, दो कान के लिए दोनों ही एक जैसे खरीदूंगी, इयररिंग्स। तो इनका यूज भी, इनके साथ जो फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी आर, इज आर एम आती है, यानी प्लूरल आती है, इज आर एम नहीं, आर लगेगा उसमें से, वर्ब वर्ब में से वर्ड लगेगा, यानी प्लूरल यूज होगी। सेविंग, हम कभी सेव नहीं कहते, आपकी सेविंग्स कितनी है, कितनी सेविंग्स करते हो, तो उसमें भी हमेशा एस का यूज होगा, सेविंग कुछ नहीं है, सेविंग्स ही वर्ड, ठीक है। अब आपको देखते हैं, हर स्पेक्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे मैं तो सब प्लूरल सिंगुलर कर दूं, हर स्पेक्स, स्पेक्स कैसे, वो मतलब एक आप में चश्मा लगाएगा एक में नहीं लगाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो कुछ हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होते हैं, दो चीजें ही आती है इनके साथ, एक पेयर ही आता है, दो ही आती है, ये दो चीज ही आती है, इसके लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। आर यूज करेंगे, इज्मत करती है ना रॉन्ग। आर्म्स वर गिवन टू बेगर्स, भिखारी को भीख दी गई। इसी तरह से सीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डेली यूज करते हैं, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, माई सीजर इज वेरी शार्प इज कंप्लीटली रॉन्ग। सीजर्स में जो दो ब्लेड होते हैं ना, तभी तो वो ऐसे ऐसे काम करती है, तो सीजर्स ही आइटम जनरली डेली लाइफ में यूज कर देते हैं, लेकिन देखिए आज से आप मत यूज करना, और कोई यूज करे तो उसको बताना भी। सीजर्स, वेयर आर योर सीजर्स, आपकी सीजर्स कहाँ है, हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे, माय सीजर्स आर वेरी शार्प। हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, हिज ट्राउजर इज डर्टी मत यूज करते ना, एक ही मतलब हो जाएगा उसका, एक ही टांग है, दो टांगे होती है ना, तो कुछ प्लूरल की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 8 क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कि कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, वीट, बीट, हम ऐसे नहीं कर सकते, वाटर्स कभी सुना है, मिल्क्स नहीं, राइसेस, आयरन्स नहीं, वीट्स नहीं, हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, ध्यान रखना, जहां भी आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आ जाए पहले आपको देखना है सेंटेंस। My sympathy is always with the poor. अब मेरी sympathy हमेशा गरीबों के साथ, लेकिन एक बात बताइए, मेरी sympathies नहीं कर सकती मैं, sympathies wrong हो जाएगा। कुछ चीजें हमेशा सिंगुलर ही रहती है, चाहे वो किसी भी टर्म्स में यूज करो, बहुत सारे टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में। Wheat is grown in India, ना weeds are grown, ऐसा लगा कि weeds are grown, नहीं, wheat is grown is, जबकि wheat में ही, ऐसा नहीं है कि हम उसका एक एक दाना काउंट करेंगे, अनकाउंटेबल आइटम्स होते हैं ना, एक एक दाना काउंट नहीं करेंगे, बहुत सारे वीट आ गए, लेकिन फिर भी ये जो सेंस है सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनका बिल्कुल ही सेंस बदल जाता है अगर हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बता देते हैं। वैसे हम बोलते हैं जैसे एडवाइस है, ये एयर है, इसमें कभी भी एस नहीं आता, देखिए एयर जो है वो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन किसी सिचुएशन में हम एस लगा देते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तब भी वो सही होता है, क्योंकि उसका सेंस बेटर होता है। और अभी आगे मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगी, उसमें आपको करेक्ट सेंटेंसेस बताने होंगे, लेकिन उसमें भी ये वर्ड का यूज होगा, जरूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं वर्ड एयर्स आ जाएगा, ये तो वर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो करेक्ट होता है, तो ये आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, इसका कोई भी रटने का तरीका नहीं है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको न्यू न्यू वर्ड मिलेंगे, और पता चलेगा कि किस सेंस में कौन सा वर्ड सही बनता है। तो देखिए, जैसे एब्यूज मतलब दुरुपयोग, अगर हम इस पर एस लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा गालियां, एब्यूज। एडवाइस सलाह, लेकिन हम, मैंने कहा था एडवाइस में नहीं लगता है ना, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर एडवाइस लगा है उसको मतलब वहां सूचना ही जा रहा है तो एडवाइस सही होगा।
एयर मतलब वायु, एयर्स मतलब दिखावटी, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब भाषण, गुड मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है, और गुड्स मतलब ये पता ही है आपको, माल के लिए हम यूज करते हैं, फोर्स मतलब शक्ति, फोर्सेस मतलब सेना। आयरन में मैंने कहा था मेटेरियल नाउन होता है, यूज नहीं हो सकता लोहा, ठीक है, लेकिन आयरन मतलब कभी कभी बेड़िया भी होता है, अगर वहां उसका सेंस बेड़ियों के टर्म्स में बैठ रहा है तो आयरन रॉन्ग करेक्ट होगा, वैसे आयरन रॉन्ग होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है और ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी लेवल का पूछा जाता है। सैंड मतलब रेत होता है, उसमें सैंड्स नहीं लग सकता, मटेरियल लाऊंगे, लेकिन कहीं अगर रेगिस्तान का सेंस आ रहा है तो सैंड्स भी हमारा सही हो जाता है। वाटर मतलब जल, लेकिन वाटर मतलब समुद्र भी कहीं सेंस आ सकता है। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। वुड में वैसे कभी एस नहीं लगता नॉर्मली कि वुड्स, दिस वुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, नहीं, वुड्स वुड इज ऑफ गुड क्वालिटी ऐसे ही यूज करेंगे, लेकिन जंगल का सेंस आ रहा है वहां वुड्स भी लग जाता है। रिटर्न मतलब वापसी और रिटर्न्स मतलब लेखा जोखा। तो जितनी तरह के रूल्स से मैंने आपको बता दिया, तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल सी, जो भी अभी मैंने आपको रूल बताए हैं उसी के बेस पर है, तो आप चेक करिए आपको कितना है। इसके लिए पॉज माय वीडियो फॉर 10 मिनट्स, नोट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड देन सॉल्व बाय योरसेल्फ। पहले अपने आप सॉल्व करिए, फिर अभी मैं आपको बताऊंगी उससे मैच करिए, तभी इस एक्सरसाइज का फायदा है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो वापस मेरे रूल पर जाकर देखिए कि आपकी मिस्टेक्स क्यों हैं और आपको क्या समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव रेड सेवरल पोएट्रीज, इसमें क्या मिस्टेक करी आप लोगों ने, सॉल्व कर ली होगी। यस, पोएट्रीज, जो भी अगर ये आंसर दे रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप साथ साथ कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने सर्च कर लिया। आई हैव रेड सेवरल पोएट्रीज, ठीक है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, पोइट्री ही यहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे पोइट्री, फर्नीचर, स्टेप की मैंने बात की थी ना, सीनरी, ऑल, देखिए फर्नीचर्स की बात कर रही थी, फर्नीचर्स आ गए, ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉय, फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता है, फर्नीचर होता है, याद रखिएगा। दिस कार कॉस्ट मी 15,000 रुपीज, इज इट करेक्ट और नो, इनकरेक्ट, क्या गलती है, या थाउजेंड लगा दो तब करेक्ट होगा, नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने क्या कहा था, जब भी आपका थाउजेंड, डजन, लाख, ऐसी कोई डिजिट हो, 100, तो उससे पहले अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसमें हम एस नहीं लगाते, 15,000 रुपीज। ओके, आई वॉज सरप्राइज बाय हिज बिहेवियर्स, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी कर दू करेक्ट, नहीं ये रॉन्ग है। Behaviors क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मैंने क्या कहा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या ईएस नहीं लगाते। Behavior, the thief was clapped in irons, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, मेटेरियल नाउन की हम बात कर रहे हैं तो ये गलत है हमारा, इसमें आयरन कर देती हूँ, नहीं ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैम आपने तो कहा था मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हाँ मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपको लास्ट में कुछ वर्ड भी बताए थे ना, सैंड का सेंस, वाटर का वाटर्स, वैसे कभी प्लूरल नहीं होते, लेकिन अगर इनका सेंस कुछ और बन रहा है, दो मीनिंग होते हैं, अगर वो वाला मीनिंग दे रहा है तो हम एस का यूज कर सकते हैं, जैसे थीफ वाज क्लैप्ड इन आयरन्स, जो चोर है वो बेड़ियों में जकड़ा गया, यहाँ पर आयरन्स का मतलब है बेड़िया ना कि लोहा, तो बेड़िया तो प्लूरल हो सकती है, देखिए ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। I don't like her. She always puts her on. She always puts on airs. अब यहाँ भी airs आ गया। आप फटाफट से एग्जाम में कर दोगे, ऑप्शन भी होगा air का air. ठीक है, लेकिन ये भी पूरा सही है। क्यों? मटेरियल नाउन होते हुए भी, क्योंकि यहाँ एयर मतलब हवा नहीं है, हवा मटेरियल नाउन है, यहाँ पर एयर मतलब है दिखावटी पना, मैं उसे पसंद नहीं करती, बहुत ही दिखावटी शो करती है, बहुत ही दिखावटी है, यहाँ पर एयर्स मतलब है दिखावटी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेंस बदल गया, यहाँ एयर्स में, एयर में प्लूरल नहीं रख के एयर्स नहीं लगा, एयर में प्लूरल हो गया, एयर्स नहीं लगा, एयर्स तो एक अलग मीनिंग हो गया दिखावटी। डू यू हैव सीजर, अब ये तो सही है, सीजर्स, मैंने क्या कहा था, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं क्योंकि उसमें दो होती है, एक ब्लेड का सीजर बन ही नहीं सकता, जैसे स्पैक्स वगैरह, ठीक है, ट्राउजर्स, द इलेक्ट्रिशियन हैड प्लायर्स, इलेक्ट्रिशियन के प्लायर्स, जैसे आप घर में प्लास प्लास बोलते हो, एक्चुअली में वो प्लायर्स होता है, जो दो उसके होते हैं ना कट करने के लिए प्लायर्स,
ठीक है उसको हम बोलते तो बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ प्लायर लिखती तो गलत होता, प्लायर्स राइट, क्योंकि उसमें भी दो चीज होते हैं तो हम प्लायर्स ही यूज करेंगे, प्लायर नहीं, जैसे आप प्लास बोल दो। मेनी बसेस ड्राइवर आर ऑन लीव टुडे। अच्छा इसमें बताइए, मेरी प्रीवियस वीडियो है ना उसमें मैंने आपको बताया ना कंपाउंड नाउन, यहाँ पर बसेस में नहीं बस होगा और ड्राइवर में यहाँ पर लग जाएगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा मैनी बस ड्राइवर्स आर ऑन लीव टुडे, जो कंपाउंड नाउन होता है उसका जो मेन नाउन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसे ड्राइवर चलाने वाला है वो मेन नाउन है, बस का हो कार का हो लेकिन ड्राइवर मेन है, उसमें हमेशा एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस आ गया, ही हैज थ्री सन इन लॉज, क्या ये सही है? नहीं, सन इन लॉज नहीं होता, यहाँ से एस हट जाएगा, सन्स इन लॉ ध्यान रखिएगा, ही हैज थ्री सन्स इन लॉ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंपाउंड नाउन का बताया था, डॉटर्स इन लॉ, अब जैसे स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर्स, क्योंकि स्टेप नहीं है, डॉटर्स जो है वो है आपका मेन नाउन, ठीक है। तो आई होप अब आपको सब समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।